सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है fx इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स, और हमारे पास जो इंटरवल गिवन है वो है क्लोज्ड इंटरवल के अंदर 0 से लेके पाई बाई 2। ओके, सो पहले हमें फाइंड करना है यहाँ पे एफ डैश एक्स। सो अगर हम यहाँ पे एफ डैश एक्स को फाइंड करते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन जो आपके पास होगा वो होगा, पहले आपकी पावर सॉल्व होगी तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स, और कॉस का होता है माइनस का साइन एक्स, तो मैंने माइनस साइन यहाँ लगाया और यहाँ लिख दिया मैंने साइन एक्स। ओके, सो अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो आप पाएंगे 2 है आपके पास, साइन एक्स है आपके पास, कॉस एक्स है आपके पास, 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो होता है आपके पास वो होता है साइन 2x। सो माइनस में आपके पास यहाँ पे साइन का 2x भी आ गया। ओके, अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप क्या करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आपको करना पड़ेगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस का साइन 2x शुड बी इक्वल्स टू 0 होगा। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी कि साइन 2x इक्वल टू 0 होगा। ओके, और मैंने आपको सिखाया थोड़ी देर पहले कि साइन में अगर किसी भी एंगल की वैल्यू 0 आ रही है आपके पास, इसका मतलब क्या आंसर आएगा, एन पाई पे वो सारे के सारे एंगल्स आएंगे आपके पास। सो हम बोल सकते हैं 2x इक्वल टू, बिकॉज मैंने आपको सिखाया था कि जो एंगल लिखा हुआ है साइन के साथ उसी के फॉर्मेट में आपके पास जनरल सॉल्यूशंस आएंगे, इक्वल्स एक आएगा आपके पास एन पाई में 0, फिर पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई चलता रहेगा, और साथ में आप ये बोल सकते हैं माइनस का ही पाई आएगा, माइनस का भी 2 पाई आएगा, और ये इधर की साइड चलता रहेगा। ओके, सो इसके हिसाब से हमारे पास जो एक्स का आंसर आने वाला है वो आने वाला है क्या, वो आने वाला है, एंड सोन लगा दिया मैंने पहले ही, वो आएगा आपके पास माइनस पाई एंड देन माइनस का पाई बाई 2, 0, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 का मतलब हो जाएगा आपके पास ओनली पाई, 3 पाई बाई 2, और ये एंड सोन चलता रहेगा। बट लेकिन आपको ये सारे के सारे एंगल्स से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ वो एंगल्स देखने हैं जहाँ पे जो इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहे हैं। ओके, तो इसके बीच में कौन कौन से एंगल्स लाई कर रहे हैं, एक तो आपके पास है 0 और एक है आपके पास पाई बाई 2, इसके अलावा और कोई भी एंगल लाई नहीं कर रहा। तो आप बोलेंगे दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स टू 0 और पाई बाई 2 ही ऐसे दो एंगल्स हैं जो बिलोंग कर रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेके पाई बाई 2 के अंदर। ओके, सो आपके पास जो इंटरवल गिवन था पहले आप उसको बनाएंगे, आपके पास इंटरवल था 0 से लेके पाई बाई 2 का, 0 ये रहा, पाई बाई 2 ये रहा, और इस इंटरवल के अंदर आप लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास जो आए हैं वो आया है अगेन 0 एंड आपके पास पाई बाई 2 ही आया है। याद रखिएगा क्रिटिकल पॉइंट्स को कभी भी आप लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ इंक्लूड कहाँ करेंगे उसको, इंक्लूड हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले केसेस के अंदर, स्ट्रिक्टली के अंदर सब इंटरवल जो हम चार्ट बनाते हैं यहाँ पे वहाँ पे, या फिर जो हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, कभी भी हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ एक ही इंटरवल यहाँ पे आ रहा है जो आ रहा है 0 से लेके पाई बाय 2, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 0 से लेके पाई बाय 2। नाउ आपको चेक करना है यहाँ पे कि 0 से लेके पाई बाय 2 में आपके एफ डैश एक्स का आंसर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ओके, सो इसके बीच का आप कोई भी एंगल पुट कर लिए, लेट सपोज मैंने यहाँ पे पाई बाय 4 पुट कर लिया, तो मैंने यहाँ बोल दिया टेस्ट वैल्यू जो मेरे पास है वो है मेरे पास लेट सपोज पाई बाय 4। ओके, सो आप इसको रफ में भी कर सकते हैं, फेयर में भी कर सकते हैं, आपके विषय। सो ये हो जाएगा माइनस का साइन 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 4, अल्टीमेटली ये आ जाएगा पाई बाई 2। सो माइनस का साइन पाई बाई 2 आपको होता है 1, तो माइनस का 1 का मतलब नेगेटिव आ रहा है आंसर। कंक्लूजन निकला हमारे पास कि एफ डैश एक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा, इसका मतलब फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग नेचर का होगा। ओके, इसका मतलब हम लोग सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सिनारियो को, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को एंड सिर्फ डिक्रीजिंग को, हम लोग यहाँ पे इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को डिस्कस ही नहीं करेंगे। ऑल राइट, सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आप क्या करेंगे, आप लोग इसको पकड़ेंगे और लिख देंगे 0 से लेकर पाई बाय 2। मैंने आपसे कहा था ऐसा लिखने के बाद आप देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं इसके अंदर। क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे हैं 0 और पाई बाय 2, आप इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं करेंगे इनको, और डिक्रीजिंग वाले में क्या करेंगे आप लोग क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड कर देंगे और आप देखेंगे क्या वो यहाँ पे भी इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, ऑल दो यहाँ पे हमेशा इंक्लूड होगा अगर आप लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट्स में लिखा है इसको, तो आप सिर्फ ये देखिएगा जहाँ कहीं भी आप लोगों के पास स्ट्रिक्टली वर्ड में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में जो चीज़ आई है, डिक्रीजिंग में क्या होगा उस इंटरवल में से आप लोग क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड कर देंगे। ओके, तो 0 भी आपके पास आएगा यहाँ पे और पाई बाय 2 भी आप लोगों के पास इंक्लूड होगा। ओके, और बाकी आप लोग यहाँ पे इंक्रीजिंग का कोई सिनेरियो डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों के पास कोई केस इंक्रीजिंग का बना ही नहीं है। तो ये दो आपके पास सॉल्यूशंस आए हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, इसको प्लीज़ आप लोग एक बार एनालाइज कर लें।